हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल प्लेटफॉर्म बाय अनूप श्रीवास्तव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी का वीडियो लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में संज्ञानात्मक विकास का विस्तार से वर्णन करेंगे। जीन पियाजे जी द्वारा दिया गया संज्ञानात्मक विकास का विस्तार से एक्सप्लेनेशन करूंगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी द्वारा संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत आने वाली अवस्थाओं का इस वीडियो में मैं वर्णन करूंगा। बात किया जाए तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसके जनक, अब आपके यहां से क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया। याद रख लीजिएगा, आपको सीटेट की तैयारी कर रहे हो आप या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हो, उसमें आपको यह क्वेश्चन जरूर आएगा संज्ञानात्मक विकास। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट टीचर लाइन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहां तक कि चाहे वो सीटेट हो, यूपीटेट हो, सुपरटेट हो, किसी भी प्रदेश का कोई सा भी टेट हो, यदि आप टेट की तैयारी कर रहे हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको जीन पियाजे आना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। पहला क्वेश्चन आपका यहां से तैयार हो गया, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? जीन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे। अब आपके यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे ने। जीन पियाजे कहां के रहने वाले थे, कहां के निवासी थे, कहां के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड। दूसरा क्वेश्चन भी आपका तैयार हो गया, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। दोस्तों, जीन पियाजे जी ने बौद्धिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है। उन चार अवस्थाओं को हम एक्सप्लेन करेंगे। इन्हीं चार अवस्थाओं में से एग्जाम में पूछता है जीन पियाजे जी की संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन है, पहली अवस्था कौन है, तीसरी अवस्था कौन है, चौथी अवस्था कौन है, या क्वेश्चन को घुमा के पूछता है पहली अवस्था में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के बालक की होती है, दूसरी अवस्था में कितने वर्ष तक होता है, तीसरे में या चौथे में। तो आज इस वीडियो से आपको सारा कुछ क्लियर होने जा रहा है। अब आप जीन पियाजे जी से नहीं डरोगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक नया जोश आएगा और अब आपको जीन पियाजे कभी नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% आपकी गारंटी लेता हूं, आपको जीन पियाजे आपके माइंड से बाहर नहीं जा सकता है और आप जीन पियाजे गलत करके नहीं आओगे, आप संज्ञानात्मक विकास को गलत करके नहीं आओगे। संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, जीन पियाजे जी ने बौद्धिक विकास अर्थात संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में बांटा है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास को चार भागों में बांटा है, उन चारों के अलग अलग नाम दिए हैं, उनकी अवस्था, उनकी उम्र, बालकों की उम्र अलग है, कौन से बालक की कितने उम्र तक की है इसका मैं विस्तार से वर्णन करूंगा, कौन से भाग में या कौन सी अवस्था में कितने वर्षों तक के बालक को जीन पियाजे जी ने इसमें जोड़ा है। पहली अवस्था है, अब याद रखिएगा, यहां से आपको क्लियर हो गया संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक जीन पियाजे जी कहां के निवासी थे, कहां के मनोवैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के। जीन पियाजे जी द्वारा संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में जो पहली अवस्था है उसे संवेदनात्मक गामक अवस्था का नाम दिया है। जीन पियाजे ने पहली अवस्था का नाम दिया है संवेदनात्मक गामक अवस्था। जन्म से दो वर्ष तक, कब तक मानी जाती है? जन्म से दो वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक देखने, पकड़ने, चूसने आदि क्रियाएं करता है।
अब आपके अंदर डाउट क्लियर हो रहे होंगे, जीन पियाजे ने कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक की कितनी अवस्थाएं को माना है, कितने अवस्थाओं को नाम दिया है, कितने अवस्थाओं का वर्णन किया है। महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे जी ने 4 अवस्थाओं का यहाँ पर वर्णन किया है। संज्ञानात्मक जो सिद्धांत है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। जब बालक पैदा होता है, जन्म लेता है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक, जन्म से लेके जो 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे जीन पियाजे जी ने संवेदनात्मक गामक अवस्था कहा है। इस अवस्था में बालक करता क्या है, बालक जो है अपने इंद्रियों का काम करना शुरू कर देता है। जैसे वो अपनी आंखों से दूसरों को देखता है, किसी दूसरे चीजों को आश्चर्य से देखता है, चूसने का काम करता है, जैसे कि दूध पीना हो गया, माँ का दूध चूसता है, या अलग से चुस्नी में दूध पिलाया जाता है, चूसने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। इस अवस्था में पकड़ने की, किसी चीज को पकड़, हम बच्चों को पकड़ा देते हैं तो इस अवस्था में, कब से, जन्म से 2 वर्ष तक, जब बच्चा छोटा होता है हम उसे कुछ पकड़ा देते हैं तो पकड़ लेता है, अर्थात इस अवस्था में बच्चा पकड़ना, देखना, चूसना शुरू कर देता है। इसी को जीन पियाजे जी ने इस अवस्था का नाम संवेदनात्मक गामक अवस्था कहा है। यह अवस्था कब से कब तक होती है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। संवेदनात्मक गामक अवस्था पहला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन यहां से बना कि संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है जीन पियाजे द्वारा, पहली है संवेदनात्मक गामक अवस्था। चौथा कब क्वेश्चन बना, कब से कब तक मानी जाती है, किस वर्ष से किस वर्ष तक मानी जाती है, जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बच्चा जो है वस्तुओं को पकड़ना शुरू कर देता है, आश्चर्य की तरह दूसरे वस्तुओं को देखना शुरू कर देता है, चूसना शुरू कर देता है। तो इस तरह से ये हुई पहली अवस्था। दूसरी अवस्था है संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की, संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। याद रखिएगा यह अवस्था दूसरी और तीसरी बहुत पूछी जाती हैं। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक में भाषा का प्रयोग तथा संकेतों द्वारा समझना शुरू कर देता है। संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। कब से कब तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था है, संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। ये अब आप नहीं बोलोगे, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक। अच्छा, दूसरी अवस्था जो है वो तो हमने याद कर लिया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक मानी जाती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें बच्चा करता क्या है, इसमें बच्चा जो है, बच्चे में विकास क्या होता है, वो भाषा का धीरे धीरे प्रयोग शुरू कर देता है, धीरे धीरे संकेतों को समझना शुरू कर देता है। जैसे 2 वर्ष से 7 वर्ष का कोई बालक है, हम उसको डांटते हैं किसी गलत काम करने पर, उसको हाथ दिखाते बहुत मारेंगे, वो उसको समझ जाता है कि मुझे मारने के लिए कहा जा रहा है। अगर ये वीडियो आप सभी फ्रेंड को, आप सभी दोस्तों को अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरा पक्का वादा है कि आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप संज्ञानात्मक विकास को नहीं भूल पाएंगे, आप जीन पियाजे को बार बार रटना नहीं पड़ेगा। तो हमने याद किया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक बोलना अर्थात भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है, संकेतों को समझना शुरू कर देता है। क्वेश्चन आता है दूसरी अवस्था कौन सी है जीन पियाजे जी की, तो दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन से वर्ष से कौन से वर्ष तक मानी जाती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक क्या शुरू कर देता है, इस अवस्था में बालक
बोलना शुरू कर देते हैं, भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है, संकेतों को समझना शुरू कर देता है, उसके अंदर ये क्षमता हो जाती है कि संकेतों से समझ जाता है। जैसे हम कहते हैं चुप रहो या ऐसे उंगली करते हैं तो बालक भी समझ जाता है कि हमें क्या कहा जा रहा है। तो ये वही अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था संज्ञानात्मक की दूसरी अवस्था। अच्छा, यहां पर तीसरी अवस्था की बात करें तो संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था भी पेपरों में बहुत अधिक पूछी जाती है। ये कब से कब तक मानी जाती है? 7 वर्ष से 12 वर्ष तक, 7 से लेके 12 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक हर वस्तुओं की तुलना करने लगता है, वह माप तौल गिनना आदि सीख जाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जीन पियाजे जी ने विकास की जो तीसरी अवस्था का नाम दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। पेपरों में पूछता है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में से तीसरी अवस्था का नाम बताइए और आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तीसरी अवस्था का नाम पूछ लेता है तो तीसरी अवस्था का नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं उन्होंने दी है, जो सिद्धांत दिए हैं, उसमें से जो तीसरा सिद्धांत है उसे कौन सा नाम दिया है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त और अमूर्त क्या होता है? मूर्त जो सामने है, टेक्निकल है, मशीनरी है, जो स्वयं सामने से देखता है, और अमूर्त जो भावों में चला जाता है, जो भावों में डूब जाता है, वो है अमूर्त। तो इस तरह से तीसरी अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास की जो तीसरी अवस्था है उसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। कब से कब तक मानी गई है? 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है। कब से कब तक? 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था में बालक जो होता है, बालक के अंदर जो है गिनने की क्षमता आ जाती है, अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाता है, बेस नेम काउंटिंग ये सब गिनना, फ्रूट्स नेम ये सब जो है याद करना, काउंटिंग गिनना उनको उसको आ जाता है। अर्थात उसके अंदर जो है माप तौल इस तरह की जो है तार्किक करने का चिंतन जो है पैदा हो जाता है। कौन सी अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे की संज्ञानात्मक जो विकास की अवस्थाएं हैं उसमें से जो तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अब आपके अंदर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब आपको पेपर में जीन पियाजे जी से नहीं घबराना है, मेरा 100% गारंटी है। आप जो है जीन पियाजे इस वीडियो को देखने के बाद आप जीन पियाजे कभी गलत नहीं करोगे। चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रिया अवस्था, इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। आप ऐसे याद कर लेना, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऐसे याद कर लोगे। जो तीसरी चौथी है औपचारिक संक्रिया अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कब से कब तक मानी गई है? 11 से 15 वर्ष तक मानी गई है। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन व समस्याओं का समाधान करने लगता है तथा भविष्य के बारे में कल्पना करता है। औपचारिक संक्रिया अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसको दूसरे नाम से बोले तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरी भाषा में इसको बोलते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था कब से कब तक मानी जाती है? 11 से 15 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक तर्क करने लगता है, उसके अंदर तर्क करने की क्षमताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब वो तर्क कर सकता है, अब वो अच्छे बुरे को बता सकता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, वो तर्क करना शुरू कर देता है। आप उससे कोई भी क्वेश्चन टॉपिक उठाओगे उससे वो उसका जो है विरोध भी करना शुरू कर देता है यदि उसको पता है तो। इसे जो है इसमें जो है वो समस्याओं को समझने लगता है, समस्याओं का निदान कर सकता है, समस्याओं का समाधान करने लगता है, क्योंकि अब वो किशोरावस्था में पहुंच रहा है। अब वो किशोरावस्था में पहुंच रहा है 11 से 15 वर्ष तक की जो अवस्था दी गई है किशोरावस्था में उसने पैर रखना शुरू कर दिया है, और इस अवस्था में अब समस्याओं का स्वयं निदान करना भी उसको
शुरू कर देता है। वो भविष्य के बारे में भी सोचता है, मैं क्या बनूंगा, टीचर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, पुलिस बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वो भविष्य के बारे में भी सोचता है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में मैंने जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन किया। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको यदि कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।